हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुलभूषण और आप देख रहे हैं कि वर्ड। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है जब हम विंडो इंस्टॉल करते हैं या अपडेट करते हैं तो उसमें एरर आता है विंडोज़ नॉट इंस्टॉल्ड, या फिर समथिंग हैपन, या फिर कुछ परसेंट इंस्टॉल होने के बाद एरर आ जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें अपनी विंडोज़ का जो सेटअप है या ISO फाइल है उसे ओपन करना होगा। अब आप देख सकते हैं इसमें जो बाहर सेटअप का फाइल होती है आप हमेशा वहाँ से इंस्टॉल करते हैं, लेकिन हमें यहाँ से इंस्टॉल नहीं करना है क्योंकि वो एरर आ जाता है। तो चलिए मैं बताता हूँ, इसमें एक फोल्डर होगा सोर्सेस के नाम से, ये जो है सोर्सेस के नाम से इसे ओपन करना होगा। और फिर इसमें एक फाइल होगी सेटअप के नाम से, हमें विंडो वहाँ से इंस्टॉल करनी होगी। और मैं 99% श्योर हो सकता हूँ कि इस बार एरर नहीं आएगा। लेकिन इसमें आपको डिज़ाइन कुछ अलग दिखाई देगा, लेकिन विंडो इंस्टॉल हो जाएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियोस लाते रहते हैं।